और आज दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ ये पहाड़ी फेमस। सुबह से बारिश लग रही है और मौसम पूरा पैक हो रखा है, इसकी वजह से आज खेतों का काम रुक गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है, तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत भी करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है संगीता और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे गांव देवर से। और सबसे पहले करते हैं आज के मौसम की बात। तो आज का मौसम सुबह से बारिश वाला हो रखा है, सुबह से बारिश आ रही है, आपको दिखाती हूँ। और आज का मौसम कुछ इस तरह से है, सुबह से बारिश लग रही है और मौसम पूरा पैक हो रखा है और सुबह से बहुत तेज बारिश लग रही है। और सुबह से बारिश लग रही है जिसकी वजह से आज हम खेत नहीं जा पाए, क्योंकि ऐसी बारिश में काम करना बहुत मुश्किल होता है और गुड़ाई करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि मिट्टी पूरी गीली हो गई होगी, इसकी वजह से आज खेतों का काम रुक गया। और दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने कल के ब्लॉग में बताया था, अब से मैं ब्लॉगिंग अकेले करूँगी, मतलब मैं ही ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड देहरादून चले गए हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए। मेरे हस्बैंड ने बीएड तक की पढ़ाई की है और इसके आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए मेरे हस्बैंड देहरादून गए हैं, मतलब जिसकी वजह से उनके पास टाइम नहीं है ब्लॉग बनाने का। इसलिए अब से ब्लॉग मैं बनाऊँगी, मतलब ज़्यादातर आपको मेरे ही ब्लॉग देखने को मिलेंगे। मेरे हस्बैंड को कभी कभी टाइम मिलेगा, कुछ स्पेशल दिखाने के लिए होगा, तो वो भी कभी कभी ब्लॉग बनाएंगे, वो भी चैनल पर डालेंगे, पर ज़्यादातर ब्लॉग मैं ही बनाऊंगी आपसे। और आज दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ ये पहाड़ी फेमस आलू की तिचौड़ी। और ये है हमारे घर के आलू। बारीक आलू की तिचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आलू को कुछ इस तरह से बारीक करना है, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में, ये कुछ इस तरह से। और तेल गरम हो गया है और अब हम इसमें सरसों का तड़का लगाएंगे, देड़ जिसे हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं। और आलू की तिचौड़ी में देड़ का तड़का लगाने से ज़बरदस्त स्वाद आता है, बहुत टेस्टी होता है। और थोड़ा स्वाद के लिए हम इसमें टमाटर भी डालेंगे, ये मैंने डाल दिए हैं। और साथ में मैं थोड़ा सा इसमें सोया बड़ी भी डाल रही हूँ, इसका भी अच्छा टेस्ट आता है। और मैं पहले इनको ग्रेवी में अच्छे से भून रही हूँ और अब इनमें मैं बारीक किए हुए आलू मिलाऊंगी। और अब डालूंगी इसमें मैं ये बारीक किए हुए आलू। और अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम उबलने के लिए रख देंगे। और मेरी आलू की तिचौड़ी अब बनके तैयार हो गई है, ये अच्छे से उबल गया है। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और मौसम थोड़ा थमा हुआ है, मतलब हल्की हल्की धूप आ रही है पर मौसम पैक ऐसे ही है। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हम आ रहे कितने खेत में गुड़ाई करने के लिए, पर अचानक बारिश आ गई। मैं तो ये मैंने पहन लिया है बारिश से बचने के लिए और आज हम बारिश में गुड़ाई करेंगे। तो दोस्तों, अभी हो गया है टाइम 6:30 और हमने आज बारिश में ही गुड़ाई की। देखिए कैसी हालत हो गई है हमारी। और गुड़ाई करने के बाद कुछ इस तरह से दिखते हैं खेत, कितने प्यारे लग रहे हैं। वैसे ही बारिश में जो भी कबाड़ था हमने निकाल दिया है और साथ में सारी भी लगा दिया है, जहाँ जहाँ पे खाली था वहाँ पे सारी लगाया।
और ये वाला खेत दिया गया है अभी, और बारिश अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है, और अब चलते हैं घर। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले हम घर आ गए थे और अंधेरा भी हो गया है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपको नए दिन के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।